गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? सुबह के 7 बज रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, गर्मी नहीं है। और अभी जस्ट उठे थे, काम पे लग गए थे, मेरे पापा जी आ गए थे, तो पापा जी आए तो मैं भी उठ गई, नींद खुल गई थी, 6:30 बजे उठ गई थी। आधा घंटा हो गया मुझे सो के उठे हुए। देखिए मेरे पापा जी की स्कूटी यहाँ खड़ी है, और मेरे पापा जी सुबह सुबह, पापा जी को तो भाई चाव है घर का, तो ये देखिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। साफ सफाई के साथ मुझे घर दिखाना था आपको, इसलिए मैं आई हूँ शूट लेने। तो ये देखिए घर पे ना, कल हमने एक्चुअली क्या था कि पापा जी, मैं और मम्मी ने मिलके बहुत सारा काम किया था, बट ऑफ कैमरा किया था, कैमरा के सामने नहीं किया, क्योंकि पापा जी कह रहे थे कि रख दे फोन, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी उड़ रही थी, फिर फोन में शूट ले रहे थे, सारा मिट्टी कैमरे में जा रही थी, इसलिए नहीं लिया। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट में जो था, ये देखिए यहाँ पे सारा कूड़ा इकट्ठा कर दिया है, अभी यहाँ का रहता है साइड वाला। चलिए मैं एंट्री से दिखाती हूँ। चलिए अभी वैसे पापा जी थोड़ा सा ना ये ठीक कर रहे थे, कर दिया पापा जी ने, थोड़ा दिक्कत थी इसमें कुंडी में, अब होगी है ठीक। ये देखिए पहले ना इसमें कुछ थी, ये देखो अब सही है, ये काम हो गया है। तो मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ पूरे घर की बढ़िया वाली लुक सफाई होने के बाद। पहले तो हम एंट्रेंस पे जाते हैं, ये देखिए आप, तो ये हमारा एंट्रेंस है, यहाँ पे इतना सारा स्पेस हमें मिल गया, और ये देखो कितना साफ हो गया है। पहले तो कितना कूड़ा था ना यहाँ पे, यहाँ पे आपको याद होगा सारी सफाई करी है यहाँ पर। तो चलिए अभी हम दरवाजा खोलते हैं और फिर देखते हैं। तो देखिए मेरे जो घर में है, जाली वाले दरवाजे लगे हुए हैं, यहाँ पे नहीं मिलते हैं, वो लगवाने पड़ते हैं। और इसके बाद ये देखिए फ्लोर पहले से क्लीन है, बहुत ज्यादा क्लीन नहीं है, दोबारा करूंगी तो और हो जाएगा अच्छे से। और फिर भी थोड़ा सा झाड़ू निकाल के कमरा थोड़ा सा निकाल दिया है, ठीक कर दिया है। और टाइल गिने, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.5 टाइल है वैसे ही लंबाई में, तो इस तरीके से कमरा है। अब ये देखिए रसोई तो आपने देख ली थी, हमने साफ कर दी थी, ये देखिए। तो रसोई के बाद आता है हमारा कमरा, तो ये हमारा रूम है दूसरा, फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, ये भी देखिए कितना क्लीन है, अभी बस थोड़ा और पोछा करेंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। और ये मरम्मत हम सारी करवानी है, मिस्त्री बुला के एक दो दिन में पूरा काम हो कर देंगे, जब भी बुलाएंगे हम ये सारा निकाल के वो लोग फिर से अच्छे से क्लीन कर देते हैं। उसके बाद है हमारा बाथरूम, बाथरूम तो बहुत गंदा हो रखा था, अब आप देख सकते हो बाथरूम तो पूरा साफ कर दिया है। नीचे फ्लोर देखो ना कितना गंदा था, मिट्टी मिट्टी थी, और अब देखिए कितना क्लीन लग रहा है ना। रुकिए देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, क्लोजअप से दिखाती हूँ, ये देखिए बाथरूम भी पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। फिर सामने ही हमारा रूम है, मैं जब बात करती हूँ मेरा हरियाणवी टच आता है, नहीं तो बताइएगा। अभी पीछे की सफाई हमने नहीं करी है, ये देखिए वैसे का वैसा छोड़ रखा है, ये देखो मिट्टी, इसका आज करेंगे बैठ के हम, पीछे का ही करना है। ये काम करती हूँ मैं, अभी कर ही देती हूँ ये पीछे का ना, अभी सुबह मॉर्निंग में कर देते हैं, क्योंकि ना फिर धूप हो जाएगी तो पीछे गर्मी में खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। और ये मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रखी थी, अच्छा था मैं नहा के नहीं आई थी, वरना तो सच में पूरा लगता कि नहा के आके मिट्टी वाला काम करो, तो ठीक है मॉर्निंग में ही काम निपटेगा। तो इसके लिए देखिए मैं फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ, और इस वीडियो के साथ आप प्लीज़ बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चंस के भी जवाब दे दूँगी जो भी आपने मेरे से पूछे थे घर से रिलेटेड। मैंने सोचा चलो इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस पूछ लूँगी के जवाब दे दूँगी, और अगर कोई क्वेश्चन आपका रहता होगा जो आपको मतलब आपका जवाब नहीं मिला तो वो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और ज़रूर पूछिएगा, कोई भी डाउट हो मैं प्लीज़ मैं पक्का क्लियर करूँगी, ताकि मुझे पता चले आप क्या सोच रहे हो। और यहाँ पे देखिए मैं ये उठा के ऊपर मैं ऐसे ही देख रही थी कि ना इसको ना, जैसे मेरी मम्मी क्या करते हैं हमेशा सिर पे सामान रख के लेके जाते हैं, तो मैं देख रही थी कि सामान सिर पे रख के कैसे लेके जाते हैं मम्मा। तो फिर मैंने ये थोड़ा सा ना नीचे कर दिया था, फिर मेरे को ना सामने दिखी मेरी मम्मी, तो मैंने मम्मी को दिखाने के लिए मैंने कहा मेरी मम्मी को दिखाती हूँ कि मैं भी मम्मी की तरह ही सामान लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना टब अपने सिर पे रख लिया था, वैसे ही मम्मी को दिखा रही थी और मम्मी भी देख रहे थे कि ये कैसे जा रही है, क्योंकि मेरी मम्मा की आदत है कोई भी सामान हो ना मम्मा सिर पे ही लेके जाती है, भारी से भारी सामान। मैं कहती हूँ मम्मी नीचे हाथ में क्यों नहीं लेते, मम्मी बोलते मेरे को आदत है ऐसे ही लेके जाने की, तो मैं कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे इसमें टब में मैंने ना सारा जैसे भी मिट्टी विट्टी का सामान था, कूड़ा करकट था, वो मैंने इकट्ठा करके इसमें रख दिया था। और यहाँ पे ना हमारा जैसे हर लाइन का एक ना
ना जैसे डस्टबिन सा बना होता है, तो मैं तो क्या करती हूँ जो कूड़ा होता है इस डस्टबिन में डाल देती हूँ, बाद में कूड़ा वाली गाड़ी आती है वो डस्टबिन से ही सारा कूड़ा इकट्ठा करके ले जाती है। तो ऐसे ना मतलब स्पेशली नहीं होता कि जैसे मतलब कि इसी में ही डाल देती हूँ। और ये जो कुत्ता आपको दिख रहा है ना, जब भी मैं यहाँ पे डस्टबिन में सामान डालने आती हूँ ना कूड़ा, तो ये ज़रूर आता है यहाँ पर, पता नहीं क्यों आता है। तो सुबह अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सुबह जल्दी उठने का ना अलग ही मज़ा होता है ना, बिल्कुल ठंडी हवा में आप घूम फिर सकते हो, तो शाम को भी घूम सकते हैं। पर शाम को ठंडी हवा नहीं होती है, शाम को नॉर्मल होता है, लेकिन सुबह मॉर्निंग वाली जो ठंडी ठंडी हवा होती है ना, जो वो उसकी तो बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रही थी, टब को यहीं रख दूंगी क्योंकि टब का काम एक बार के लिए हो गया है। और यहाँ मैं मम्मी को थोड़ा सा प्यार कर रही थी सुबह सुबह, और मम्मी डांट रहे थे कि आ तेरे हाथ गंदे हैं, मेरे मत लगा, अभी हाथ धो के विहान कपड़े पहनो, देखना खुद को कैसे विहान कपड़े पहनो मेरे हाथ में बनियान है, ये ना छिप गया, इसने कपड़े नहीं पहने हुए, कपड़े पहनाने हैं विहान, लिया ना आते आगे विहान, देखो कपड़े पहन ले बेटा, देख ले जान करके कि मैं नहीं पहनूंगा, कपड़े पहनो बाबू, कपड़े पहन ले, कपड़े पहनो, ओम चिड़ी ओम करके आया, हाथ कहाँ दिखाइए, हाथ छुपा लिए इधर आ तू खोटी, क्यों छिप रही है, कपड़े नहीं पहनने, अभी बस मैं खाना खा के आई हूँ, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ कोने पे, ये जगह ना मेरे को बहुत पसंद है, मैं इधर ही बैठ जाती हूँ कई बार, इधर या फिर वो जो आगे का जो कोना दिख रहा है ना आपको, इधर बैठ जाती हूँ। तो आप में से कुछ के कमेंट्स आ रहे थे कि इस घर में ना इस तरीके का मत लगवाना, आगे मत लगवाना और काम करवा लेना। तो देखिए मैंने ये इसलिए यहाँ पे लगवाया था क्योंकि मैं ना खुद को थोड़ा सा ऐसा मतलब अकेली अकेले रहना, मतलब होता नहीं है कि खुद को ऐसा लगता था मतलब कि थोड़ा बंद हो जाएगा थोड़ा ठीक रहेगा, आप समझिए उस चीज को, थोड़ा सा लगता था उस टाइम जब मैं नई नई आई थी ना, क्योंकि शुरुआत में बिल्कुल अकेले रहना, बाद में मम्मी रहने लग आए थे मेरे पास, पहले तो कुछ टाइम तो मैं अकेली ही रह रही थी, बाद में मेरे को ये भी नहीं पता था मम्मी मेरे साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, तो सेफ्टी पर्पज से बहुत अच्छा है, सेफ रहता है, अंदर से सारा लॉक हो जाता है, तो इसलिए लगवा दिया था। वहां पे शायद जरूरत भी ना पड़े ऐसा ऐसा लगवाने की, क्योंकि मेरे पापा मम्मी रह रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप देखिए ना मतलब बड़े रह रहे हैं तो घर तो सेफ ही होता है बड़ों के सामने। तो और आप में से कुछ पूछ रहे थे मेरे से, कॉमेंट आए थे कि ये आपने कैसे लिया है, तो मैं सोचा चलो मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। तो देखिए इसके लिए क्या होता है कि ना मतलब ये हर जिले में होते हैं, मेरे को हरियाणा का तो पता है बाकियों का पता नहीं, लेकिन हरियाणा में क्या होता है ये हर जिले में मतलब ये निकलते हैं फॉर्म डेट के साथ। तो उसके लिए आपको क्या होता है ना, जो वेबसाइट होती है वो चेक करनी पड़ेगी, और उस वेबसाइट का नाम है हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी, ठीक है। तो वहां पे आपको ना मतलब चेक करना पड़ेगा जो भी मतलब है housingboard.com जो भी है आप देख लेना। तो वहां पे क्या होता है कि आपको पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा खुद को, ताकि आपको सारी अपडेट्स वगैरह भी मिले। तो रजिस्टर करवाने के मेरे ख्याल से 2-3 हजार रुपए लगते हैं स्टार्टिंग में, 3 हजार रुपए लगते होंगे। तो उसमें आपका आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर सब कुछ ले लेते हैं। उस रजिस्टर करवाने के बाद ना वो आपको बताते रहेंगे कि देखो अब यहाँ पे निकले हुए हैं फ्लैट, यहाँ पे बोली लगेगी, इधर लगेगी, मतलब कोई भी करनाल में लगेगी, पानीपत में लगेगी, कहाँ लगेगी, कितने से शुरू है, कितने मतलब ऐसे होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, मोस्टली बोली में यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3-3 घर निकाले जाते हैं, मतलब एक बोली में 3 घर निकलते हैं। तो फिर क्या होता है कि आप ना जाओ किसी भी सरल वाले होते हैं ना जो, तो मैं ये कह रही थी कि ना जहाँ पे जैसे ये सरल वाले होते हैं ना, इनको कह दो आप कि अपना ना जैसे लॉगिन पासवर्ड लिख लो कहीं कॉपी पे, ताकि भूलो ना, जब आप रजिस्टर करवाओगे ना तो आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सरल वालों को बोल दो, वो खुद फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि देखिए स्टार्टिंग में आपको 50 हजार रुपए तक, वो डिपेंड करता है, मतलब अगर आपने ज्यादा महंगा वाला फ्लैट लेने लग रहे हो, बोली लगा रहे हो, तो हो सकता हो लाख भी जमा करवाना पड़े शुरू में, 60 हजार 70 हजार। तो 50 हजार, मेरा तो 50 हजार था, तो 50 हजार रुपए हमें क्या होता है देने होते हैं स्टार्टिंग में, हमें जमा करवाने होते हैं। हम बोली में पार्टिसिपेट ही तब कर सकते हैं जब हम 50 हजार रुपए जमा करवा दें शुरुआत में, और वो 50 हजार रुपए आप किसी भी तरीके से जमा करवा सकते हो, या तो आप कैश ले लो और जो भैया या लोग हैं उनसे करवा दो जमा और उनको पैसे दे दो। मैं तो क्या करती हूँ, RTGS करवा लेती हूँ, उसमें ना ऑप्शन आता है RTGS का, RTGS का एक फॉर्म निकलता है, मतलब वो कागज निकाल के दे देते हैं, फिर बैंक में जाओ RTGS का फॉर्म आता है स्पेशल, आप पूछ लो बैंक वालों से, वो भरवा भी देते हैं अगर आपको नहीं आता। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो चेक कॉपी होती है ना, चेक, एक चेक लग जाता है, साथ में RTGS लग जाता है,
और आपका वो आप भर के दे देते हो वो मतलब उसी दिन 24 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं बैंक वाले, मतलब जो भी सोसाइटी में जहां आपको करवाने हैं। तो जब वो पैसे जमा हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपका, जैसे मान लो मेरा 2 तारीख को ई ऑक्शन था, तो 2 तारीख को ही जैसे सुबह के टाइम या एक दिन पहले, या फिर अगर पासवर्ड आ जाता है आपका ऑक्शन में पार्टिसिपेट लेने का, फोन नंबर पे आता है जो आपने रजिस्ट्री के टाइम दिया था, तो ध्यान रखिएगा, चेक कीजिएगा। और अगर नहीं आता बाई चांस, कई बार नहीं भी आता, मेरा इस बार आया नहीं था, मैंने उसी वक्त फोन करके नंबर ले लिया था, मतलब जो आईटी सेल वाले होते हैं ना वो नंबर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आपको क्या करना होता है फिर वहां से, मतलब आपको फोन, मतलब फोन पे बात करके पासवर्ड लेना होता है, बटा वैसे आ ही जाता है 99% केस में पासवर्ड आ जाएगा। नहीं आएगा तो आपको वेट नहीं करना है, आपको आईटी सेल में जाके फोन करना है, वो पासवर्ड आपके फिर दे देंगे। तो आपका जो पासवर्ड आता है उससे आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हो, और एक जो मतलब बोली होती है वो 2-2.5 घंटे चलती है। तो टेंशन फ्री होके कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी आपको चाहिए, खाना पीना है बनाना है नहीं, क्योंकि आपको काम कर रहे हो तो आप बाहर से मंगवाओ खाना, कैसे भी अपना घर पे बैठ के पार्टिसिपेट करो, कूलर चलाओ, मोबाइल फोन आपके हाथ में है, साइट खोलो। नहीं आता अगर आपको तो किसी भी सरल वाले के पास जाके, या फिर कोई प्रॉपर्टी डीलर हो उनसे मदद ले लो कि कैसे भरा जाता है बोली वगैरह। बहुत इजी होता है, बस उसमें क्लिक करना होता है, बिड का ऑप्शन होता है, क्लिक करोगे कितनी बिड लगानी है बोली, 10, 20, 30 ऐसे लगा दो और आपका काम हो जाता है। और उसके बाद जब आप, अगर आपकी सबसे ज्यादा बोली, आपने बोली लगा दी मान लो 8 लाख, उसके बाद किसी और ने बोली नहीं लगाई, तो आपके नाम हो जाएगा वो फ्लैट। फिर आपको क्या करना है, बस आगे पैसे चुकाने हैं, 25% चुकाने होते हैं उसके 1 महीने के अंदर। उसके बाद आपको 3 महीने का और टाइम मिलता है, मतलब 100 दिन का टाइम फिर आगे और मिलता है। बाकी 75% आप चुकाना चाहते हो तो आपको 100 दिन का टाइम और मिल जाएगा, तो उसमें चुका सकते हो। और अगर आपके पास पैसे पूरे नहीं बनते, 50-60% बन जाते हैं, तो जितना होता है उतना चुका दो, बाकी की किस्तें बना लो। ठीक है जी, आपको सारा कुछ बता दिया। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों फ्रेंड्स में। और ये देखो आ गया मेरा भोपलू सा, ए भोपलू हेलो बोलो सबको, भोपलू भोपलू भोपलू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अरे बुलेट की आवाज होती जो होती है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।